अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नसीर खान टीवी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको PSC टेस्ट के हवाले से नई अपडेट देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं। PSC टेस्ट की कंडक्शन अब दोबारा जब की जाएगी तो PSC टेस्ट बहुत ही इजी बनाया जाएगा। PSC टेस्ट अब बहुत ही इजी बनाया जाएगा। तो वजूहात सामने आ गई हैं क्यों इजी बनाया जाएगा, इसके पीछे क्या ऐसे अवामिल हैं कि अब टेस्ट इजी बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको वो तमाम चीज़ें बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, PSC टेस्ट के हवाले से बात करते हैं कि PSC टेस्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि इस बार जो टेस्ट होगा वो बहुत ही आसान बनाया जाएगा या बहुत ही आसान होगा। तो इसकी वजूहात सामने ये आ रही हैं कि PSC टेस्ट, पहले जब PSC टेस्ट कंडक्ट होता था तो पूरे सूबे में एक ही दिन कंडक्ट होता था और एक ही टेस्ट लिया जाता था। तो अब जो टेस्ट लिए जाएंगे वो जोन वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। और अगर KPK में बात की जाए तो KPK में कुल 5 जोन है। अगर इन 5 जोन को हम डिवाइड करें कि ये जो टेस्ट लिए जाएंगे ये मुख्तलिफ औकात में एक ही दिन में तीन या दो अवकात ऐसे रखे जाते हैं, सुबह के टाइम 7 बजे या फिर 10 बजे या फिर 2 बजे के करीब ये टेस्ट लिए जाते हैं। 3 सेशन में ये टेस्ट लिए जाते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 5/3 पे आप डिवाइड करते हैं, 5/3 पे डिवाइड करें तो ये 15। तो 15 ऐसे जब 15 जोन में या 15 टेस्ट बनाए जाएंगे तो 15 टेस्ट जब ये बनाए जाएंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये टेस्ट कितने इजी होने जा रहा है। तो हर एक के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हर एक जो में भी थोड़ा सा कम लाइक है या जो इतना अच्छा नहीं है किसी भी चीज़ में तो वो ये टेस्ट अटेम कर सकता है, ये टेस्टों में वो अच्छे नंबर ले सकता है। क्योंकि 15 टेस्ट जब बनाए जाएंगे तो 15 टेस्टों में इतनी जो बुक्स हैं उसमें इतनी चीज़ें होंगी नहीं कि मुश्किल की चीज़ें वो मुख्तलिफ टेस्टों में डिवाइड करेंगे। और जो 15 टेस्ट होंगे इनमें मुख्तलिफ डिवाइड करेंगे, सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो टेस्ट आएंगे वो कितने ईजी होंगे और जो इसके जो हल करने का जो तरीका होगा वो फिर कितना आसान होगा कि जो मुश्किल चीज़ें होंगी वो हर टेस्ट में ये डिवाइड करेंगे। तो टेस्ट जो होने जा रहे हैं वो बड़ा आसान होने जा रहा है और टेस्ट बड़े इजी इस बात लिए जाएंगे और बनाए भी जाएंगे। इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि टेस्ट की जो कंडक्शन है वो आप ऐसे करें कि आप 3rd से ऊपर लेकर 8th क्लास तक आप अपनी तैयारी करें। तो यहाँ पे ये जो मैथ, इंग्लिश, साइंस की जो सब्जेक्ट हैं इन पे थोड़ा सा आप ध्यान करें। पेटागोजी जो है वो मे भी इस बार नहीं आ सकती, इसके पेटागोजी की जगह पे आपको उर्दू के कुछ MCQs आ सकते हैं, तो आप उर्दू की भी तैयारी करें। मुताला पाकिस्तान में मुताला पाकिस्तान साथ में तैयार करें। इंग्लिश, मैथ ये तो सब्जेक्ट हैं और साइंस ये बेसिक सब्जेक्ट हैं, ये आपको आने चाहिए। और करंट अफेयर की कुछ चीज़ें आपको भी याद करनी चाहिए। अगर आपको इस पर कमांड है तो फिर आप इजली हिस्ट्री को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि 15 टेस्ट जब बनाए जाएंगे तो आप हिसाब लगाएं कि कितने इजी टेस्ट आ सकता है और कितने इजीली ये अटेम्प्ट हो सकते हैं और नंबर भी आने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो सबको चाहिए कि वो थोड़ी बहुत तैयारी करें और इस टेस्ट के लिए ये जो टेस्ट बनाया जाएगा ये बड़ा इजी बनाया जाएगा। वजूहात हमने आपको बता दिए कि जोन वाइज ये टेस्ट लिए जाएंगे, 5 जोन हैं, 5 जोन में 3 सेक्शन वाइज डिवाइड करें कि तो फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि टेस्ट कितना आसान होने जा रहा है और टेस्ट में जो बेसिक चीज़ें वो आप ज़रूर याद करें। आपको सिर्फ 3rd से लेकर 8th क्लास तक की जो बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है और वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर आपको याद हैं या बेसिक चीज़ों पे आपको कमांड हासिल है तो आप फिर इजीली इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। और आपके चांसेस हैं कि PSC टीचर भर्ती होने के आपके चांसेस मौजूद हैं कि आप PSC टीचर एक भर्ती हो सकते हैं, लग सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों पर अबूर है तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको रटा लगाने की या ज़्यादा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट होने जा रहा है वो बड़ा इजी होने जा रहा है। आप सिर्फ उसमें थोड़ी सी मेहनत करें, 2-3 चीज़ों पे अपना ध्यान दें। मैथ को थोड़े से लाइट ना लें और इंग्लिश वगैरह को लाइट ना लें, साइंस की तैयारी करें और इधर उधर से इस्लामियात वगैरह और उर्दू जाएगा तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें।